सावन का महीना शुरू हो गया है और मंदिरों में भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। और जयपुर में भगवान शंकर के हजारों मंदिर हैं, जिनमें कुछ मंदिर अपने भव्य इतिहास और विशेष मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही जयपुर के चौड़ा रास्ता बाजार में स्थित भगवान शिव को समर्पित ताड़केश्वर महादेव मंदिर, जिसका इतिहास जयपुर की बसावट से भी पहले का है। आपको बता दें, यह मंदिर 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। इस शिव मंदिर की स्थापत्य कला में राजस्थानी स्थापत्य और स्थानीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिस स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है, उस स्थान पर किसी समय शमशान घाट और भारी संख्या में ताड़ के वृक्ष हुआ करते थे। इस मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग स्वयंभूत प्रकट हुआ था, इसलिए इस मंदिर को ताड़केश्वर महादेव मंदिर कहा गया। इस शिवलिंग में आपको बता दें, इस मंदिर में स्थित शिवलिंग के सबसे पहले दर्शन एक मंदिर के पुजारी ने किए थे। बाद में इस मंदिर का निर्माण भव्य रूप से करवाया गया। यह मंदिर बाजार के बीचों बीच बना हुआ है। इस मंदिर की वास्तुकला और डिजाइन उस समय के जयपुर रियासत से वास्तुविद विद्याधर जी ने इसके निर्माण की रूपरेखा की थी। इस मंदिर को पहले ताड़कनाथ के नाम से भी जाना जाता था। इस मंदिर के प्रति जयपुर वासियों की गहरी आस्था है और यह पूरे साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर की एक विशेष मान्यता है कि भगवान शंकर के शिवलिंग को 51 किलो का दूध और घी से अभिषेक करने से भगवान शंकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शंकर के साथ ही मंदिर में स्थापित भव्य नंदी महाराज, जिन्हें भक्त अपनी परेशानियां बताते हैं और नंदी महाराज भक्तों की समस्याओं को भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। इस मंदिर में श्रावण महीने की तरह पूरे साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर के बारे में यहां के पुजारी बताते हैं कि यहां जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है, तब से यहां भगवान शंकर की अखंड ज्योति जल रही है, जो आज भी बरकरार है। इस मंदिर में शिवरात्रि के पर्व पर देश भर में भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। मंदिर बाजार के बीचों बीच होने के कारण मंदिर के बाहर फूल और माला प्रसादी की दुकानों के कारण यहाँ हमेशा ट्रैफिक की समस्याएं भी बनी रहती है।